हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शोभिक में। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से बहुत बढ़िया एक वैकेंसी निकला है, बहुत सारे पोस्ट निकला है, जिसके लिए यहाँ पे मैं वीडियो में डिटेल्स बताऊंगा किस तरह से आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है सब कुछ। तो दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट जॉब है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकला है। जॉब लोकेशन इसका रहेगा दिल्ली में, वैकेंसी यहाँ पे नहीं बताया गया है। तो दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। नेम ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पे बस ड्राइवर के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। एप्लीकेशन जो लोग करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको 10th पास होना चाहिए, उसके साथ साथ वैलिड हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग दिल्ली से बाहर की स्टेट है वो भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पे आपको मैक्सिमम एज लिमिट जो रहेगा आपको 50 ईयर्स। तो दोस्तों, जो लोग 50 ईयर्स के बाद है वो लोग यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों, एप्लीकेशन करने के लिए मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके एप्लीकेशन कर सकते। लास्ट डेट जून में है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपके पास डेट है, टाइम है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, जो लोग एप्लीकेशन करना करेंगे उन लोगों के लिए बोल देता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो यहाँ पे रहेगा, ड्राइविंग टेस्ट एंड इंटरव्यू के थ्रू आपके यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके एप्लीकेशन कर सकते। एप्लीकेशन करने के लिए कोई भी आपको एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, जो लोग चाहते हैं एप्लीकेशन करना वो लोग अभी जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कोई भी इस जानकारी इस जॉब के लिए कोई भी जानकारी आपके पास अगर आप लोग के पास आप लोग जानना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ।